भाई बहुत ऊपर से लेके आ रहा था, पर पता नहीं होता कि भाई कहाँ पानी है कहाँ नहीं है, और वो दस गई भाई पूरी उछल, और देखो टायर उठ गया इसका पूरा पूरा, ले पकड़ ले। दिस इज कृष्णा हेयर और मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्टर्ब ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। थंबनेल देख के आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि वीडियो किस बारे में है। सुबह से लगातार इतनी बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही है, और बारिश के साथ साथ बिजली इतनी खतरनाक कड़क रही है ना इसी केस के अंदर, जबरदस्त वाली। भाई साहब क्या बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश। देखो भाई इतनी बारिश हो रही है, आ गया यकीन, विश्वास हो गया। अभी देखो ऐसा लग रहा है वासुदेव जी यहीं से तैर, यहीं से मतलब सर पे लेके श्री कृष्ण भगवान को आएंगे। वॉइस पता नहीं कैसी आ रही हो क्लियर, और मेरे साथ में है रुद्र अरोरा। हाय। और ये भाई पड़ोस में साथ में रहता है, और थोड़ा डार्क भी हो गया, मैं बहुत पहले आने की सोच रहा था। हमारी बाइक तो बंद नहीं है, पर पता नहीं कट्टा नहीं आया नहीं है। क्या बोलते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी की जितनी वीडियो देखी होगी आपने, देखा होगा वासुदेव जी जिसमें सर पे कृष्ण जी को लेकर जाते हैं, इतना पानी भरा हुआ था यहाँ पे, तो यहाँ पे भरता ही है। और बाहर हम इसलिए निकले देखने के लिए, देखने के लिए कि भाई आज मुझे नहीं लगता मंदिरों में भीड़ होने, मंदिरों में भीड़ होने वाली है, ये गलत है भाई। देख सकते हैं आप कितना पानी में को बाइक चला रहा हूँ मैं। दिक्कत हो जाएगी, पता नहीं उठ रही। ओ यार अभी स्टार्ट नहीं होगी, दूध को उतरना पड़ेगा भाई। चलो ये हो गई भाई बंद, मैं भी उतरता हूँ, मुझे लग रहा था बंद हो जाएगी यार। अभी स्टार्ट होनी चाहिए यार, मुश्किल लग रहा है भाई, पानी चला गया था लेंसर में। वैसे हो गई स्टार्ट, रानी तो रानी है भाई, पर भीड़ हाय हाय मत पूछो, लोग बारिश हो रही फिर भी नहीं रुक रहे भाई। घर में कोई नहीं रुकने वाला, और पानी सड़कों पे अच्छा खासा भरा हुआ है ठीक ठाक। पेट्रोल डलाने के लिए जुगाड़ से पैसे ले गए पन्नी में डाल के। टॉप का मौसम हो रहा है, मार्केट में चहल पहल है अच्छी खासी, ऐसा नहीं है कि बारिश है तो बंद है, और चहल पहल इसी वजह से है क्योंकि आज कृष्ण जन्माष्टमी है, तो भीड़ भाड़ रहती है वैसे लोगों की, पर पता नहीं कि आज लोग आने वाले हैं मंदिर में या नहीं। अगर 12 बजे तक बारिश रुकती है तो पक्का आएंगे, नहीं रुकती तो लोकल वाले तो रहेंगे मंदिर में। और यहाँ पे एक मंदिर है तो हम मधुबन जा रहे हैं, मथुरा नहीं मधुबन, मतलब हमारे ऋषिकेश में भी है। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, देख रहे भाई मेहनत भैया, रास्ते में भीड़ ठीक ठाक मिली है हमें, ऐसा नहीं है कि बारिश है तो भीड़ नहीं है, और हम मंदिर पहुंच गए हैं लगभग लगभग।
बता दूँ ऋषिकेश में बारिश जो हो रखी है ठीक ठाक हो रखी है, और यहाँ पे लाइन लगती है मंदिर में जाने के लिए, यहाँ से लाइन लगती है, यहाँ से लाइन लगना शुरू होता है, इसके बाद मंदिर में जाते हैं सीधा। बट ज़्यादातर 12 बजे के बाद ही भीड़ होती है, तो हम देखने आए थे कि भीड़ है नहीं है, तो मैं तब तक जब तक हम यहाँ पे हम इंजॉय करते हैं तब तक आप मेरे दोस्त ने रोहित यादव फिल्म के नाम से जिनका इंस्टाग्राम पे अकाउंट है और वीडियो में मेरे साथ में आते रहते हैं, उन्होंने बहुत मेहनत करके एक बहुत प्यारी सी क्लिप बनाई थी, रील बनाई थी, आप प्लीज़ उसको इंजॉय कीजिए, देखिए और बताइए, लाइक करिए, कमेंट करिए, बताइए कि कैसी है वो रील। यहाँ से लाइन लगनी शुरू हो गई है, बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है, सब बाइकों की पार्किंग बना रखी है उन्होंने, बट बाइकें जितनी लगी है इतनी लगी रहेगी, इससे ज़्यादा बाइकें। बारिश का लेंस भी इफेक्ट बन जा रहा है। भैया अभी दर्शन हो रहे हैं, तो बोल रहा मैं चाय भी कहता हूँ। हाँ दादा दर्शन हो रहे हैं अभी, हो रहा है, हो रहा है, चलो चप्पल वहीं निकाल लेंगे बाइक के पास। भैया दर्शन हो रहे हैं, हम तो करने जा रहे हैं दर्शन, क्योंकि रात का भरोसा नहीं है, क्यों रुद्र रात का कोई भरोसा नहीं है, 12 बजे आ पाए नहीं आ पाए हम, बिजलियाँ इतनी खतरनाक कड़क रही थी ना, पूछो मत, ऐसा लग रहा था कहीं गिर गई होगी। भैया दर्शन के लिए हम तो चल दिया भाई, मैं और रुद्र है मेरे साथ में, और ऐसा कुछ बनाया है उन्होंने, सजाया हुआ है बहुत प्यार से, बहुत अच्छी तरीके से। अब पता नहीं कैमरा अंदर अलाउ होगा नहीं होगा, बट मैं कोशिश तो करूँगा कि अंदर लेके जाने की। वैसे चेक कर रहे हो सामने क्या ले रहे हो क्या नहीं, अगर हो जाए तो बढ़िया है, पर भीड़ बहुत अच्छी खासी भीड़ रहती है 12 बजे के आसपास यहाँ पे। वैसे कुछ व्यवस्था बना रखी है, सिक्योरिटी लड़के रखे हुए उन्होंने सिक्योरिटी के लिए, बहुत बढ़िया सुविधा हो रही है। हाँ यही से है ना, तो रास्ता किधर से है फिर, अभी जाना पड़ेगा वहाँ तक घूम के, वहीं से जाना है, रास्ता बंद है। दर्शन हो गए,
इधर पालना भी लगाया झूलने के लिए। बारिश का लेंस पे इफेक्ट आ रहा है बहुत बढ़िया। भाई बहुत ऊपर से लेके आ रहा था, पर पता नहीं होता कि भाई कहाँ पानी है कहाँ नहीं है, और वो दस गई भाई पूरी उछल। और देखो टायर उठ गया इसका पूरा। ले पकड़ ले। तो भैया आके नहाना धोना हो गया, और रात का पता नहीं भाई जाएंगे नहीं जाएंगे। वैसे नहीं जाएंगे तो वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में।